नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं P20 समिट के बारे में। P20 समिट जो कि एक्चुअली में अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। भारत चूँकि इस वर्ष G20 की अध्यक्षता की है भारत ने, अब भारत यहाँ पर P20 नामक शिखर सम्मेलन की भी अध्यक्षता कर रहा है। आज की इस वीडियो में जानेंगे ये P20 समिट एक्चुअली में है क्या, ठीक है। इसके अंतर्गत किन किन विषयों पर चर्चा की गई, थीम वगैरह क्या थी, बहुत कुछ आज के इस वीडियो में जानने के लिए। लेकिन इन सबके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बगल में बेल आइकन भी दबाएं जिससे हमारे चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लियर है। चलिए बिना ज़्यादा समय लिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो सितंबर के महीने में, ठीक है, सितंबर 2023 में, ठीक है, भारत में G20 समिट का आयोजन किया गया था, ठीक है। G20 समिट का भारत में आयोजन किया गया और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, ठीक है, काफ़ी सफल आयोजन रहा भारत के द्वारा। अब भारत में P20 समिट का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, और कहाँ किया जा रहा है, एक बार फिर से देश की जो राजधानी है दैट इज़ दिल्ली में ही P20 समिट का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। बात आती है कब से कब तक किया गया, तो ध्यान रखना यह जो समिट है इसका आयोजन एक तो 13 अक्टूबर को हुआ और एक 14 अक्टूबर का, यानी ये एक दो दिवसीय शिखर सम्मेलन था जिसका आयोजन 13 और 14 अक्टूबर को किया गया, ठीक है। इसका जो उद्घाटन है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, 13 अक्टूबर को इसका जो उद्घाटन है वो किया गया था, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है कि जो P20 समिट है, ठीक है, इसका आयोजन किया गया था इंडिया इंटरनेशनल कॉन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, जिसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम है यशोभूमि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली के द्वारका में स्थित है यशोभूमि, तो यहीं पर इसका आयोजन किया गया था 13 अक्टूबर को। अच्छा, साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना है कि अब की बारी जो P20 समिट आयोजित किया गया, ठीक है, P20 समिट जो अब की बारी आयोजित किया गया है भारत के दिल्ली में, ये इसका कौन सा संस्करण था, तो ध्यान रखना ये इसका 9th एडिशन था, 9वां संस्करण था। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आखिर ये P20 समिट है क्या, P20 शिखर सम्मेलन क्या है। देखो जो P20 समिट है ना, जो P20 शिखर सम्मेलन है, यह एक्चुअली में G20 से ही रिलेटेड है, G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, और इसी से संबंधित रहता है P20 समिट, यानी कि जिस भी देश के द्वारा G20 समिट की अध्यक्षता की जाती है वही देश, मतलब उसी देश को बेसिकली P20 समिट की भी अध्यक्षता करनी होती है, ठीक है। तो अब की बारी इसी वजह से भारत ने P20 समिट की अध्यक्षता की है। यहाँ पर जो शब्द है ना पी, इसका अर्थ होता है पार्लियामेंट, ठीक है। अब बात आती है कि इस समिट के अंतर्गत आखिर कौन लोग हिस्सा लेते हैं, तो ध्यान रखना यह जो समिट है ना इसके अंतर्गत पार्लियामेंट के जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, यानी जितने भी संसद हैं अलग अलग देशों के, G20 के अंतर्गत जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन सभी कंट्रीज़ का जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के अंदर जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं, ठीक है, वो सभी इस समिट में हिस्सा लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें भारत की, ठीक है, तो भारत में जो यहाँ पर पार्लियामेंट वो कौन सा, दैट इज़ लोकसभा, तो लोकसभा के अंतर्गत जो स्पीकर है दैट इज़ ओम बिरला जी, वो इसमें हिस्सा लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही ध्यान रखना, जैसा हमने पहले ही बताया कि यह जो मीटिंग है, ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये G20 बैठक के अंतर्गत ही इस मीटिंग का आयोजन किया जाता है। भारत अब की बारी इसकी मेजबानी कर रहा है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि पिछले वर्ष P20 समिट की मेजबानी किसने की थी, तो ये ध्यान रखना पिछले वर्ष इसकी मेजबानी इंडोनेशिया ने की थी, ठीक है, पिछले वर्ष इसकी मेजबानी किसने की थी, इंडोनेशिया ने की थी। इसके अलावा अब की बारी यह इसका 9वां संस्करण है। यह जो समिट है या जो शिखर सम्मेलन है, ठीक है, इसके आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है कि जो दुनिया है, ठीक है, यहाँ पर फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखना और साथ ही पूरे दुनिया में विकास को प्रमोट करना, यानी डेवलपमेंट को प्रमोट करने के मुख्य उद्देश्य से इसका आयोजन किया जाता है। बात करें अब की बारी जो P20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था इसके अंतर्गत किन किन विषयों पर चर्चा की गई, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है अब की बारी जो P20 सम्मेलन आयोजित किया गया था इसमें मुख्य रूप से चार ऐसे विषय थे जिस पर डिस्कशन किया गया। ये चार विषय कौन कौन से थे, इसके अंतर्गत सबसे पहला जो विषय था वो ये था कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं अपने आसपास में, या फिर जो जिस तरीके से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अलग अलग तरीके से लोगों के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, तो वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो लोगों के जीवन में किस तरीके से बदलाव ला रहा है इस पर पहले तो चर्चा की गई। इसके बाद महिलाओं के द्वारा नेतृत्व में जो विकास देखने को मिल रहा है इस पर चर्चा की गई। साथ ही इस समिट के अंतर्गत भारत के द्वारा जो भी हाल ही में महिला आरक्षण बिल पास किया गया है, ठीक है, इस पर भी इसके अंतर्गत बात की गई थी। साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG, ठीक है, इसे और किस तरीके से तेजी से मतलब इसे जल्दी से लाया जाए इस पर भी बात की जाए की गई यहाँ पर, ठीक है। और साथ ही साथ जो सतत ऊर्जा बदलाव है यानी कि जो सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन है इस पर भी इसके अंतर्गत बात की गई, यानी इन कुल चार टॉपिक्स पर इस P20 समिट के अंतर्गत बात की गई थी यानी चर्चा की गई थी। अच्छा, अब बात करें अब की बारी जो P20 सम्मेलन आयोजित किया गया था इसका विषय क्या था, थीम क्या था, तो अब की बारी का थीम था वासुदेव कुटुंबकम, पार्लियामेंट फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसके साथ ही हमने पहले ही बताया कि भारत की ओर से जो भारत के लोकसभा स्पीकर हैं दैट इज़ ओम बिरला जी, उन्होंने इस समिट में, शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था।
इसके साथ ही साथ इस सम्मेलन में और कौन कौन शामिल होंगे, तो ये जो P20 समिट है इसके अंतर्गत G20 सदस्य देश, ठीक है, G20 सदस्य देश के सबसे पहले तो जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, उन सभी मेंबर कंट्रीज़ के पार्लियामेंट के जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो सबसे पहले तो इस समिट में हिस्सा लेंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ 10 यहाँ पर और भी कंट्रीज़ हैं, 10 अन्य देश भी हैं और साथ ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी हैं जिसके लोग इस समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। अगर हमें आंकड़ों के मुताबिक बात करें तकरीबन 50 MP, ठीक है, 14 जनरल सेक्रेटरी, 26 चेयरपर्सन, 10 वाइस चेयरपर्सन, एक कमेटी चेयरपर्सन के और एक IPU के प्रेसिडेंट, ये जो है इन मतलब इनकी उपस्थिति की अब तक पुष्टि की जा चुकी है। तो ये सभी लोग जो है वो P20 समिट में उपस्थित थे। इसके साथ ही पता है चूंकि अब तक जो हम G20 की बात करते हैं यानी ग्रुप ऑफ 20 की, तो इसके अंतर्गत केवल 20 देशों के अब तक हम लोग बात किया करते थे, ठीक है, 20 कंट्रीज। लेकिन अब की बारी 2023 में जो इसका समिट भारत में आयोजन किया गया इसका, तो इसके अंतर्गत अफ्रीकन यूनियन को G20 के अंतर्गत शामिल किया गया और इसके साथ ही अब G20 के अंतर्गत टोटल मेंबर कंट्रीज की जो संख्या है वह अब बढ़ करके 21 हो गई है। और अफ्रीकन यूनियन के आने के बाद, ठीक है, यह पहला P20 समिट था, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन के आने के बाद यह पहला P20 समिट था। G20 की बात कर लें, G20 यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कुल 20 नहीं बल्कि अब 21 देशों का समूह है G20। ये देश कौन कौन से, इनमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन और साथ ही अफ्रीकन यूनियन है, जिसे अब की बारी यानी कि वर्ष 2023 में ही इसे G20 में शामिल किया गया है। इज दैट क्लियर। इसके साथ ही ध्यान रखना अब की बारी यानी वर्ष 2023 में जो G20 सम्मेलन था, ठीक है, इसका आयोजन तो भारत में किया गया। वर्ष 2024 का जो G20 समिट होगा इसका आयोजन किया जाएगा ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहाँ, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। और अगले साल जो ब्राज़ील है 2014 में जो ब्राज़ील है वही P20 समिट की अध्यक्षता करेगा, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो हुई 2023 में भारत, 2024 में ब्राज़ील। 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में जो G20 समिट था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये देश था इंडोनेशिया। ध्यान रखना नाम, ये इंडोनेशिया है। Is that clear? तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की G20 समिट के बारे में। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ऐसे में आज के लिए, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।